और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। विश्व कप के लिए आईसीसी के नियमों के मुताबिक सेमीफाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। ऐसे में कल का अधूरा मुकाबला जो है वो आज पूरा कराया जाएगा, यानी आज न्यूजीलैंड अपने कल के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। न्यूजीलैंड ने कल पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए थे, लेकिन अगर आज भी बारिश की वजह से मैच पर असर पड़ता है तो मैच के ओवर घटाए जा सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक नया लक्ष्य दिया जाएगा, लेकिन इस नियम के तहत भी भारतीय पारी के दौरान 20 ओवर खेले जाने जरूरी होंगे, और अगर 20 ओवर का मैच भी नहीं हो सका तो पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर होने की वजह से भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल में आज रिजर्व डे पर भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका मैच पर कितना असर पड़ेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। इस बीच कुछ फैंस बारिश की लुकाछिपी से जरूर नाराज हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि भारत ही जीतेगा। तो यहाँ मैनचेस्टर के मौसम का हाल थोड़ा डर डर के सुनाना पड़ेगा, क्योंकि एक भविष्यवाणी ये थी वेदर ऑफिस से कि आज के दिन यानी कि मैच के पहले दिन, जो कि एक ही दिन होना था, एकमात्र दिन होना था, दोपहर को 1-1.5 घंटे की बरसात पड़ सकती हल्की हल्की, उससे मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हुआ क्या, ये हम सब ने देखा। अब फिर दूसरे दिन के लिए ये भविष्यवाणी है कि कुछ कुछ हल्की सी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और देखना है तो मैच के लिए 20-24 ओवर ही ज़रूरी हैं। उतने हो जाए तो मैच का नतीजा हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी प्रिडिक्शन कुछ होती है, हकीकत जो है वास्तव में जो बात सामने आती है कुछ और होती है। तो ये देखना पड़ेगा कि मौसम क्या फैसला करता है और किस तरह मैच पूरा हो पाता है। उम्मीद सबकी ये है कि 50-50 ओवर का मैच संपूर्ण हो, जैसे कि होना चाहिए था, एक दिन नहीं दो दिन सही, लेकिन मैच तो पूरा हो। इंडिया इंडिया न्यूजीलैंड का दूसरा मैच है जो वॉश आउट हो गया। ये ऊपर वाला चाहता है कि इंडिया ही जीते, बार बार बारिश करवाता है, इंडिया जीतेगा। जल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया के साथ जो भी खेलेगा उसका सेम रिजल्ट है, दे विल बी द विनर्स, दैट्स इट। इंडिया विल विन डेफिनेटली 100%। हम जीत के जाएंगे फाइनल, और फाइनल में जीतेंगे। और अगर पॉइंट टेबल देखो तो रेन के 8 पॉइंट है और न्यूजीलैंड के 11 पॉइंट है, हमको रन तो देखा जाए तो इंडिया वैसे ही जीत रहा है। नेट रन रेट नहीं चाहिए, हमको जीत के जाना है और वर्ल्ड कप जीत के लेके आना है वापस। अब दिल्ली के विराट कोहली के स्कूल से हमारे साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या नजारा आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है मैच शुरू होने में, ऐसे में क्या उम्मीद आज कर रहे हैं वो भारतीय टीम से? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जोश में हैं इस वक्त, और वो लगातार जो है वो यहाँ पर चीयर कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वो चीयर कर रहे हैं सुबह से ही, ये चीयर कर रहे हैं। तो अब कहना गलत होगा सुबह से नहीं, बल्कि कल से ही ये लोग चीयर कर रहे हैं। यहाँ पर कई बच्चे यहाँ सुबह हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की करते हैं। बेटा, क्या मैसेज है आपका विराट कोहली के लिए? विराट कोहली हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए एक ट्रॉफी लेकर आना, वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट। आप बताओ बेटा। विराट कोहली हमारे सितारे हैं, वे हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारे लिए ट्रॉफी लाएंगे, वे हमारे देश के सितारे हैं। और भी कई सीनियर स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ये बताओ क्या आप अच्छा लगता है विराट कोहली के अंदर, आपको जो अपने अंदर लाना चाहते हैं? वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपने गेम के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और इसलिए हमें पूरा बिलीव है कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, ये हर किसी को भरोसा है। ये बताओ खड़े हो जाओ बेटा, आपका क्या मैसेज है विराट कोहली के लिए? विराट कोहली के लिए ये मैसेज है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाए, और सारे वर्ल्ड कप जीत जाए और ट्रॉफी उनके पास जारी रहे। और भी कई स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये बताओ क्या कहना चाहते हो विराट के लिए आप? विराट कोहली मेरा आइडल तब से था जब से उसने अपना डेब्यू किया था वर्ल्ड कप 2011 में, और वो अभी वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है, और मेरे लिए उसके मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। अब बताओ आप क्रिकेट खेलते भी हो, स्कूल के कैप्टन भी हो क्रिकेट टीम के, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है 2011 दोबारा दोहराया जाए, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा बहुत रन मारे और इंडिया वर्ल्ड कप दोबारा कर लें।
और भी कई बच्चे यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये बताओ आपका क्या कहना है? इंडिया जीतेगी जीतेगी जीतेगी, क्योंकि और टीसी टीम की तो बस की नहीं है, और किसी भी टीम की बस की नहीं है, हर कोई जीतेगा। और यहाँ पर मेरे साथ और एक स्टूडेंट है, ये बताओ बेटा क्या मैसेज है आपका विराट के लिए? विराट कोहली हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत कर आएगा और वो अच्छे रन मारेगा ताकि हम कप जीत जाए। हमारे स्कूल की टीचर्स भी हमारे साथ है, मैडम आपका क्या मैसेज है विराट? इंडिया जीतेगी, इंडिया का नाम सारी दुनिया में होगा, हमारी इंडिया ही रहेगी। स्पोर्ट्स टीचर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार चीयर कर रही है। मैम कुछ ही देर में मैच, हाँ मैम डिसबैलेंस हो गई आप, मैम कुछ ही देर में जो है यहाँ पर मैच शुरू हो जाएगा, क्या कहना है आपका? वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे, आप हमारे स्कूल इंद्रप्रस्थ स्कूल के बच्चों का जज्बा देख रहे हैं, डिसबैलेंस हो गए कोई बात नहीं, इंडिया बैलेंस में है, इंडिया बैलेंस में है, ये कहना है यहाँ पर। और भी कई स्टूडेंट यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, आप बताओ आपका क्या कहना है आज विराट के लिए, क्या मैसेज है, किस तरीके से टीम इंडिया को खेलना चाहिए? उनको अच्छी तरीके से खेलना चाहिए, जिससे क्या होते हैं वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके फाइनल में जाए और हमारे लिए इंडिया के लिए कप लेके आए। आप क्या पूरी 50 ओवर की मैच हो, आप ये चाहते हो कि पूरा 50 ओवर का मैच हो और इंडिया सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाए? कल तो न्यूजीलैंड को एक चांस मिल गया, लेकिन आज सेकंड चांस पे इंडिया जीते और फाइनल भी इंडिया जीत के वर्ल्ड कप वापस जाएगी। तो सबका यही कहना है कि सेमीफाइनल हम जीतेंगे और हम फाइनल में पहुंचेंगे और हम फाइनल भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे। हमारे साथ अभिषेक पांडे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, रोहित शर्मा के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक वहां पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि रोहित शर्मा से देखिए दिल मांगे मोर, अब तो सवाल यही है कि वो डबल सेंचुरी मारेंगे कि सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी से कम उनसे उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं रोहित शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं, यहां पर देख रहे हैं बारिश हो रही है, सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग यहां पर उनकी बिल्डिंग के पास खड़े हैं और सभी लोग इंडिया के जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और साथ ही साथ रोहित शर्मा अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करे इसके लिए यहाँ पर सुबह से लोग खड़े हैं उनके घर के बाहर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कि आप सुबह से यहाँ पर हैं, क्या कैसी उम्मीद करती हैं रोहित शर्मा से? अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उनके प्रदर्शन काफी अच्छे रहे, तो हमें पूरा विश्वास है कि अभी जो 2 मैच हैं उनके और भी बढ़िया रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड कप वही लेके आए। बिल्कुल, यहाँ पर एक व्यक्ति है, मैं रोहित शर्मा से जुड़े कुछ तथ्य आप बताइए कि रोहित शुरुआती दौर में क्या फील्डिंग नहीं करते थे, आप बता रहे थे कि फील्डिंग नहीं करते थे, वो हमेशा बैटिंग में रुचि रखते थे? नहीं, उसके कैसे था कि वो पहले बचपन में जब हम लोग 2 साल से उसे देखे थे तभी वो जाले में एक बॉल लगा के रबर बॉल लगा के उसका प्रैक्टिस रोज का चलता था, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहे थे उसके 5, 6, 7, 8 साल तभी वो जब हमारे साथ में खेलता था तभी बोलता था बॉलिंग डालो आप अंकल, बॉलिंग डालो सिर्फ मैं बैटिंग करूंगा, फील्डिंग के लिए कभी बोले तो तभी भाग जाने का, ये ऐसा उसका था, और बॉलिंग डालने का बस वही 2 ही काम था। लेकिन वो बाद में जब ये इंडिया के लिए खेलने लगा और या वर्ल्ड कप 19 के लिए खेलने लगा तभी वो फील्डिंग उसका जब हम लोग टीवी पे देखा तभी पता चला कि ये भाई फील्डिंग में भी मास्टर है, ये बात हुई थी तभी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ रोहित शर्मा के अंकल हैं, आप बताइए कि आज रोहित शर्मा से शतक की उम्मीद करते हैं? जरूर करेंगे ना भाई, 5 सेंचुरी हो गया, कल की उम्मीद थी, कल मैच नहीं हुआ तो आज तो जरूर मारेगा सेंचुरी, और 6ठा सेंचुरी ये वर्ल्ड में ये हो जाएगा, वर्ल्ड में ये हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इनसे पूछा आप बताइए कि अंकल आप शुरू से रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते आ रहे हैं, कैसे देखते? वो तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं उसको, जो खेलने का जो तरीका है उसका वो बहुत अच्छा है, वो अभी की सिचुएशन में वो सेंचुरी या तो डबल सेंचुरी मारेगा ये हमको उसके पास उम्मीद है, मारो उसके पास फाइनल। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा सेंचुरी और डबल सेंचुरी दोनों मारेंगे फाइनल तक। बिल्कुल अभिषेक, किस तरीके से लोगों का जोश है वो देखते ही बन रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हो, लौटूंगी जल्द।